अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस की, और इससे पहले हम लोग वर्टिब्रेट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर चुके हैं और हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। तो आज हम ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए दो मेन सिस्टम्स होते हैं। पहले सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स आते हैं, और दूसरा सिस्टम लिम्फैटिक सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर लिम्फ और उसके रिलेटेड ऑर्गन्स आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेजर हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटिंग फ्लूड होता है, जो ब्लड कहलाता है, और ये सर्कुलेटिंग फ्लूड सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी गैसेस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा एक पंपिंग ऑर्गन जिसको हम हार्ट कहते हैं, ये हार्ट कॉन्स्टेंटली ब्लड को फ्लो करवाने का काम करता है, मोशन में रखने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको हम आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स कहते हैं, और ये खून की नालियां होती हैं जो ऑर्गन्स तक खून को डिलीवर करने का काम करती हैं और वहां से वापस खून को लाने का काम करती हैं। आज के लेक्चर में हम ब्लड को ज़रा ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अब ब्लड बेसिकली वो मीडियम है जिसके अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स वगैरह डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, और जिन चीज़ों की यानी ट्रांसपोर्ट करनी है वो सारी इस ब्लड के अंदर डिजॉल्व होती हैं। ह्यूमन ब्लड के दो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट प्लाज्मा कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट सेल्स पर मुश्तमिल होता है। किसी ह्यूमन के अंदर बॉडी का तकरीबन 12वां हिस्सा वजन का ब्लड पर मुश्तमिल होता है। यानी अगर किसी शख्स का वजन 72 kg है तो उसके अंदर अबाउट 5 to 6 liters ब्लड उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा। अब ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो प्लाज्मा है। मेनली 90% ब्लड के अंदर सिर्फ वाटर होता है, और अगर आप किसी ह्यूमन का ब्लड लें और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको एक हमारे पास मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, और ये सेंट्रीफ्यूज क्या करता है कि ये जो टेस्ट ट्यूब आपने यहाँ पे रखी हुई है उसको बड़ी तेजी के साथ से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रोटेशंस पर मिनट की रफ्तार से इसको घुमाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, और इसकी वजह से जो भी वजनी पार्टिकल्स वगैरह इसके अंदर मौजूद थे वो सारे अपने वजन की वजह से नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ब्लड लें तो ब्लड के अंदर वाटर है और इसके अंदर बहुत सारे जो हैं सेल्स मौजूद हैं। तो सेल्स क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर हैं और ये कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में ब्लड के अंदर तैर रहे होते हैं, तो ये अपने वजन की वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन पे नीचे बैठ जाते हैं। तो आपके पास तकरीबन 45% ब्लड सेल्स आते हैं, जबकि 55% ऊपर ये येलो से कलर का लिक्विड रह जाता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और बाकी 10% इसके अंदर इम्पॉर्टेंट डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर सारी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, साल्ट्स और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स वगैरह मौजूद होते हैं। इन सारी चीज़ों की कंसंट्रेशन हमेशा ब्लड के अंदर आमतौर पे कांस्टेंट रखी जाती है या नियर कांस्टेंट रेंज में रखी जाती है, कि थोड़ी बहुत तो चेंज हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। बाज़ चीज़ें जो हैं वो रिलेटिवली दूसरी चीज़ों की नस्बत ज़रा ज़्यादा वेरिएबल होती हैं। किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, मिसाल के तौर पर प्रोटीन, साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट मटेरियल्स की कंसंट्रेशन, वो बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि बॉडी काम कितना कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है या नहीं कर रही है, फूड खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ है। इसी तरह उस इंडिविजुअल की एज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंडिविजुअल बूढ़ा है या बच्चा है या जवान है, और इसके अलावा जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि मेल है या फीमेल है। तो मेल्स और फीमेल्स में कुछ सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है।
अब ये जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं इनको हम छह मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्लड के अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स या मिनरल आयंस मौजूद होते हैं जो प्लाज्मा का तकरीबन 0.9% हिस्सा बनाते हैं बाय वेट, और इन साल्ट्स में से भी सबसे ज्यादा तकरीबन 2/3 सोडियम क्लोराइड होता है, जो हमारा आम टेबल साल्ट है जो हम खाने के अंदर नमक डालते हैं वो साल्ट सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा दूसरे आयंस मसलन पोटेशियम कैल्शियम और फॉस्फेट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आमतौर पे कांस्टेंट रखी जाती है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने दी जाती, क्योंकि थोड़ी सी भी चेंज आने की वजह से बॉडी की फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत से नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं ये बेसिकली प्लाज्मा की या ब्लड की पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं, और प्लाज्मा की जो पीएच है वो हमेशा 7.4 होती है, यानी कि न्यूट्रल से बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक साइड पे पीएच होती है। और पीएच के अंदर अगर ब्लड की पीएच इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी चेंज भी आ जाए तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जिनके लिए ये स्पेसिफिक पीएच चाहिए, एंजाइम्स के लिए ये स्पेसिफिक पीएच चाहिए, तो अगर ये पीएच चेंज हो जाएगी तो वो एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी भी इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। इस वजह से ब्लड की पीएच हमेशा बहुत फिक्स रखी जाती है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होती हैं, और तकरीबन ब्लड का 7 to 9 प्लाज्मा का सॉरी 7 to 9% हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, और इनमें से ज्यादातर प्रोटीन्स जो हैं उनको लिवर सिंथेसाइज करता है, लेकिन बहुत सारी प्रोटीन्स दूसरी जगहों से भी आती हैं। एक ग्रुप है प्रोटीन्स का जिनको हम ग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये ग्लोबुलिन्स जो हैं बेसिकली ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और इनका एक स्पेशल टाइप हम इसको इम्यूनो ग्लोबुलिन कहते हैं, या इनको जनरल लैंग्वेज में एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये इम्यूनो ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये प्रोड्यूस की जाती हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। और ये एंटीजेंस क्या होती हैं? एंटीजेंस बेसिकली प्रोटीन्स या और इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस की सरफेसेस के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये बेसिकली इनको हम एंटीजेंस कहते हैं। अब ये एंटीजेंस जब बॉडी में दाखिल होते हैं तो उसकी वजह से जिस तरह इस कार्टून के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल है, और ये वाइट ब्लड सेल ने डिटेक्ट कर दिया है कि बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं, तो ये काफी सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टून में मजाहिया तौर पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि जी वो एक एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच हो गई है, और ये बैक्टीरिया अपने साथी बैक्टीरिया से कह रहा है कि जी तुम लोग मेरे बगैर ही भाग जाओ, क्योंकि मुझे तो गोली लग गई है, तो मेरी फिक्र छोड़ो और तुम लोग अपनी जान बचाओ। तो बेसिकली ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये एंटीजींस यानी कि बैक्टीरिया की प्रोटीन्स वगैरह के खिलाफ या वायरसेस की प्रोटीन्स के खिलाफ बॉडी के डिफेंस में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोटीन जो ब्लड के अंदर मौजूद होती है इसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। थ्रोम्बस बेसिकली कहते हैं क्लॉट को। तो ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग में कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, और अगर आपको चोट लग जाए, जख्म आ जाए, कहीं स्किन के ऊपर कट वगैरह लग जाए या खराश लग जाए, तो वो ये प्रोथ्रोम्बिन उस जगह पे ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है, उसको वहां पे जमा देती है, और उसकी वजह से फिर खून आपका ज्यादा देर बहता नहीं है, थोड़ी देर में बंद हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है इसको हम फाइब्रिनोजिन कहते हैं, और ये फाइब्रिनोजिन में फाइबर का वर्ड आपको फील हो रहा होगा, ये फाइबर
बेसिकली फाइब्रिनोजिन ऐसी प्रोटीन है जो जिसके ये लंबे लंबे रेशे होते हैं, जिस तरह ये यहाँ पे आपको ये ग्रे से कलर के अंदर काफी सारे धागे से नजर आ रहे हैं नीचे वाली डायग्राम में, तो ये फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन बेसिकली बनती है। जो ये धागे आपको नजर आ रहे हैं ये फाइब्रिन के धागे हैं, और ये धागे एक जाला बनाते हैं जिसके अंदर फिर ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह फंस जाते हैं और ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है जख्म वाली जगह पे। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, अमाइनो एसिड्स और लैक्टिक एसिड वगैरह डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये तकरीबन इनके टोटल अमाउंट जो है 1% से भी कम होती है प्लाज्मा के अंदर। इनमें से कुछ सब्सटेंसेस मिसाल के तौर पे ग्लूकोज और फैट्स वगैरह इंटेस्टाइन से जब फूड डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर ऐसे भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मसल्स जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर मसल्स इस लैक्टिक एसिड को ठिकाने लगाने के लिए ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड में से ये लिवर तक पहुंचता है और लिवर फिर इसको तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी मौजूद होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा होता है, और इसकी ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के जरिए से ही होती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं, और इनको बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स जब मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं और वो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं और उनसे अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और अमाइनो एसिड्स का भी जब फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में ये अमीनो ग्रुप्स रिलीज होते हैं, और इन अमीनो ग्रुप्स को बेसिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में, और ये अमोनिया फिर सेल्स ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और ब्लड से ये पहुंचते हैं लिवर में, और लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में या फिर यूरिक एसिड में, बहुत थोड़ी अमाउंट में यूरिक एसिड, ज़्यादातर यूरिया। और इसको कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इस यूरिया को या यूरिक एसिड को किडनीज फिर कलेक्ट कर लेती हैं और यूरिन के थ्रू इसको रिमूव कर देती हैं। तो ये जो इन मेटाबॉलिक वेस्ट की ट्रांसपोर्ट का काम है ये भी ब्लड या प्लाज्मा कर रहा होता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक ख़ास किस्म के सेल्स का पैगाम दूसरी किस्म के सेल्स तक पहुंचाते हैं, और बेसिकली इनकी ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के ज़रिए से होती है, और इनका काम आमतौर पे मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन का होता है, यानी कि कौन कौन से इस वक्त मेटाबॉलिज्म किस स्पीड से होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, तो वो बेसिकली हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ ना कुछ मिकदार डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होती है।